इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू जो कि है NY Bae मैट लिप लाइनर्स के बारे में। आप लोग जानते हैं कि इनकी लिक्विड लिपस्टिक एंड बुलेट लिपस्टिक मार्केट में काफ़ी पहले ही लॉन्च हो गई थी। ये भी इसको भी लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं इसके रिव्यू वीडियो करने में थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मुझे ये लाइनर एज सच बहुत पसंद नहीं आया था एंड ये एक मेरे बॉक्स में पड़ा रह गया। आज मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा आज मैं इसका रिव्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। 0.25 ग्राम का लिप लाइनर है एंड मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा purple.com में एंड इसकी MRP 130-140 रुपीज़ है। बट उस टाइम purple.com में डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने इसको डिस्काउंट में 90 रुपीज़ का परचेज किया। इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है, आप इसको 3 इयर्स तक का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके 7 to 8 शेड तब उस टाइम लॉन्च हुए थे एंड मैंने इसका शेड परचेज किया था द क्रोन टिकट 5। इनके शेड नेम्स कुछ अजीब से हैं क्योंकि इनका कोई भी शेड से लेना देना नहीं है। अगर आप ऑनलाइन साइट में परचेज कर रहे हो, अगर आप इस तरीके के नाम से कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि शेड किस तरीके का होगा, मुझे लगा था ये काफ़ी डार्क चॉकलेट ब्राउन होगा बट एज सच ये उस तरीके का नहीं निकला। बट मैं इसको यूज़ कर लूँगी ना, किसी तरीके से वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि पैसे से ख़रीदा, फ्री में तो मिला नहीं है। अगर गाइस इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये इसी तरीके की पैकेजिंग में आया था एंड इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग टाइप की थी जिससे ये पूरा सील्ड बंद था, वो मैंने ओपन कर दी थी। ये रिट्रैक्टेबल लाइनर है एंड काफ़ी क्वांटिटी है इसकी। आई नो ये अफोर्डेबल प्राइस का है क्योंकि अगर और किसी ब्रांड का देखें तो इससे ज़्यादा महंगा मिलेगा, 200-250 समथिंग, लेकिन ये 90 रुपीज़ का है तो इससे काम चला सकते। टेक्सचर की बात करें फ्रेंड्स तो ये बिल्कुल कंप्लीट मैट है और इसकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी लाइट है, मीन्स इसको बहुत ग्लाइड करना पड़ेगा देन आपका इसका कलर आएगा। टूट गया ये, काफ़ी ज़्यादा आपको रब करना पड़ेगा देन इसका कलर आपको नज़र आएगा। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश न्यूड है जो कि मैंने इसको सोचा था कि ये ब्राउन कलर होगा, चॉकलेट कलर होगा, बट ये ऑरेंज न्यूड कलर है। ये कलर फेयर टू मीडियम स्किन टोन वालों पे ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि अगर डार्क स्किन टोन है तो ये कलर आपको वॉश आउट कर देगा। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये कलर परचेज़ करें, आप कोई और कलर इसका ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रेड एंड पिंक्स हैं। बट ये कलर अगर आपका वीटिश स्किन टोन है तो ये आपको बिल्कुल वॉश आउट कर देगा, मीन्स ये आपके बिल्कुल स्किन कलर के लगेगा। इससे मेरी तरीके मीन्स जिनके लिप्स थोड़े से डार्क हैं उनके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसके नीचे कोई अच्छा सा लिप बाम लगा लें एंड 15 मिनट तक का उस लिप्स को मॉइस्चराइज करें, देन आपको इसका थोड़ा सा कलर मिल जाएगा। लगा रही है इसकी एप्लीकेशन एंड लिप स्वॉच की। मैं पहले अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर लेती हूँ एंड देन मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मेरा शॉर्ट सा रिव्यू NY Bae मैट लिप लाइनर्स के बारे में। मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा है एंड बेल बटन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।